हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि यह उद्योग खनिजों पर आधारित है। और खनिजों पर आधारित उद्योग क्या होते हैं? द इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स। दिस इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री। इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर इंडस्ट्रीज हैं वो अपने लिए मशीनरी जो है वो कहाँ से लेती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से लेती है, यानी लौह इस्पात उद्योग से ही लेती है। इसलिए इनको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब इंडिया में हम देखें तो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो कौन सा है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर में सेटअप की गई सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, सबसे पुराना उद्योग है। क्यों? क्योंकि इस उद्योग में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत कम उद्योग जो है वो स्टार्टिंग में लगे। अब लेकिन धीरे धीरे जो है वो इसमें उछाल आया, एक एनर्जी मिली। क्यों? यानी कि बहुत सारे उद्योग इंडिया में लगाए जाने लगे। तो उसका रीज़न क्या हुआ? लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी लिबरलाइजेशन क्या होता है? उदारीकरण। यानी कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, और इसके साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ थे उन्होंने भी इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करने में गवर्नमेंट की हेल्प की। अब देखिए, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर और ये है बर्नपुर, इसी तरह से बोकारो इन झारखंड, ये है जमशेदपुर भी जो है वो झारखंड में ही है। फिर इसके बाद उड़ीसा में राउरकेला और छत्तीसगढ़ में भिलाई। अब बोकारो एंड भिलाई, ये टू स्टील प्लांट्स जो थे इंडिया में, ये यूएसएसआर के कोलैबोरेशन से सेटअप किए गए, यानी कि सोवियत संघ की मदद से भारत में स्थापित किए गए। और इसके साथ साथ जो दुर्गापुर है ये यूनाइटेड किंगडम, एंड राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और उसके बाद जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे विशाखापट्टनम है, फिर विजयनगर है, ये भद्रावती है, इस तरह से ये प्लांट्स सेटअप किए गए। अब बात ये आती है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, जबकि कुछ मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं। अब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस हैं? तो देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो हैं उनके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मिनी स्टील प्लांट्स हैं, दे नीड लेस इन्वेस्टमेंट, यानी उनको उसमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, हैंडल एवरीथिंग अंडर वन रूफ, यानी कि जितने भी काम हैं उसमें वो सारे एक ही जगह पर होते हैं। जब इसके साथ साथ जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? स्क्रैप एंड स्पंज आयरन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स मैन्युफैक्चर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील, यानी हर तरह के इस्पात का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। जबकि मिनी स्टील प्लांट जो है दे प्रोड्यूस ओनली माइल्ड स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और मिनी स्टील प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाई इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज
कंसंट्रेटेड अराउंड छोटा नागपुर प्लेटू, यानी कि जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली छोटा नागपुर प्लेटू जो है छोटा नागपुर पठार के आसपास ही क्यों केंद्रित है। ये देखिए, ये छोटा नागपुर प्लेटू एरिया है, तो यहाँ पर क्यों है आप देख भी रहे होंगे, यहाँ दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला और इसी तरह से भिलाई, तो इस एरिया में क्यों केंद्रित हैं, क्यों स्थापित की गई है, तो उसके कुछ रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ रॉ मटेरियल, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू का जो एरिया है यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। अब क्या क्या चाहिए उसको, आयरन ओर चाहिए, कुकिंग कोल चाहिए एंड लाइमस्टोन चाहिए। इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इट मीन्स 4 पार्ट यदि आयरन ओर का है तो 2 पार्ट कुकिंग कोल का चाहिए और 1 पार्ट जो है वो लाइमस्टोन का चाहिए। और इसके साथ साथ मैंगनीज भी चाहिए। अब मैंगनीज किस लिए चाहिए, जो स्टील है उसको हार्ड, उसमें हार्डनेस लाने के लिए, यानी कि हार्डन द स्टील, स्टील में मजबूती लाने के लिए इसमें कुछ हद तक मैंगनीज भी मिलाया जाता है। और ये जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि एक्सेस में पाए जाते हैं, और जब रॉ मटेरियल एक्सेस में होगा तो इंडस्ट्री सेटअप करना काफ़ी आसान होगा। सेकंड पॉइंट जो है वो है चीप लेबर, सस्ते मजदूर। ये एरिया मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए सस्ते मजदूर भी वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। थर्ड, पावर। अब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, और उस एरिया में यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सहायता से पावर सप्लाई जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री भी है, यानी जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं इवन रॉ मटेरियल भी जो यूज़ होता है वो भी हैवी ही होता है, तो इसलिए इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। यानी कैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, रोडवेज़ और रेलवेज़ जो है उनका काफ़ी, उनका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। पोर्ट फैसिलिटीज़, बंदरगाह, यानी हम जो है वो आयरन ओर इसके साथ साथ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है, जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको अदर कंट्रीज़ में भी भेजते हैं। अब ये चीज़ें हैवी होती हैं तो उसके लिए पोर्ट यानी कि वाटरवेज जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, सस्ते होते हैं। इस वजह से आप देखिए, ये है कोलकाता पोर्ट जो कि आप टेक्स्ट चैप्टर में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का होगा उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें कोलकाता पोर्ट है और वेस्ट बंगाल में एक और है हल्दिया। इसी तरह से आप देखिए तो जो उड़ीसा स्टेट है उसमें पारादीप, और इसी तरह से यहाँ पर विशाखापट्टनम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी है, साथ साथ ये पोर्ट भी है यहाँ पर। तो ये जितने भी पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, यानी इसमें जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, यदि इनको एक्सपोर्ट करना है, दूसरी कंट्रीज़ में भेजना है, तब भी आसानी से भेजा जा सकता है। तो ये इन सब फैक्टर्स की वजह से, इन सब कारकों की वजह से मोस्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक,
what are the problems of iron and steel industry? लौह तथा इस्पात उद्योग की क्या समस्याएं हैं? अब देखिए, जब इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी और प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, हाई कॉस्ट, यानी कि उच्च कीमत जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में स्टील का प्रोडक्शन होता है उसकी कीमत काफ़ी अधिक है। अधिक कैसे है, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयरन ओर की, और आयरन ओर जो है वो इंडिया में अवेलेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं है, यानी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं क्वांटिटी जो है वो भी एक्सेस में नहीं है। और इसके साथ साथ इसमें जो कोल है, कोल को भी हम देखें तो इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो, जो कि एंथ्रासाइट होता है, वो भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है। तो रॉ मटेरियल जो है वो जब ज़्यादा नहीं होगा, इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब जो मजदूर हैं उनकी उत्पादकता कम है। अब देखिए, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर इजीली जो है वो लेबर या वर्किंग क्लास मिल जाती है, लेकिन जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, काम जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि कम काम करते हैं, यानी स्किल्ड नहीं है। उसके बाद थर्ड जो है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो स्टील प्लांट्स हैं बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी है, तो और जब पुरानी इंडस्ट्रीज होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं ज़रूर आएंगी। एंड द फोर्थ इज़ इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर। ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपने पढ़ा होगा इरेटिक पावर सप्लाई, इरेगुलर पावर सप्लाई, यानी कि बिजली की अनियमित पूर्ति जो है वो एक बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं के कारण जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो पाता। और इसी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि किसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करके प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है।